भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली चतुर्पक्षीय बैठक से टेंशन में आए चीन ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन इस समूह से उसे दूर रखे जाने पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। साथ ही चीन ने उम्मीद जताई है कि हिंद प्रशांत की नई संकल्पना उसके खिलाफ नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने सोमवार को ये बात कही। आपको बता दें कि ये बैठक रविवार को फिलीपींस के मनीला में हुई थी। हिंद प्रशांत संकल्पना और चतुर्पक्षीय बैठक पर सवालों का जवाब देते हुए शुआंग ने कहा, संबंधित प्रस्ताव पारदर्शी और समग्र होना चाहिए, साथ ही इसका राजनीतिकरण करने और संबंधित पक्षों को बाहर करने से बचा जाना चाहिए। ये पूछने पर कि संबंधित पक्षों को बाहर करने से उनका तात्पर्य चीन को इसमें शामिल नहीं करने से है, तो गेंग ने कहा कि चीन संबंधित देशों के बीच दोस्ताना सहयोग का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं किस तरह के संबंध तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं होंगे और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के अनुकूल होंगे। ये आम संकल्पना है और मेरा मानना है किस तरह का रुख किसी भी प्रस्ताव पर लागू होता है। एशिया प्रशांत संकल्पना की जगह पर हिंद प्रशांत संकल्पना को स्वरूप देते हुए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन से पहले पहली आधिकारिक स्तर की वार्ता हुई। इस सामरिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के बीच क्षेत्र को मुक्त और खुला रखने के लिए बैठक हुई। इस पहल का उद्देश्य इलाके में चीन के आक्रामक रुख का प्रतिरोध करना है। सभी देश इस बात पर सहमत हुए कि मुक्त, खुला, समृद्ध और समग्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों और खासकर दुनिया के हितों के अनुकूल है। टीम इंडिलिंक्स।